समाज से भी हमारे और आप जैसे लोगों से लेके खाना थाने चौकियों से बांटा गया और उनकी दुर्दशा भी ऐसी करी कि उन्हें ढोर भी नहीं खाएंगे, इंसान तो जब खाते किसी को अटैक पड़ गया उसको इलाज नहीं मिला बेचारा मर गया, किसी को डायलिसिस होनी थी गुर्दों के खराब थे उसे उसकी डायलिसिस नहीं हुई वो बिना डायलिसिस के मर गया बेचारा। कोरोना से हमारे शहर में अगर जो 125 लोग मरे हैं तो 2000 लोग बिना इलाज के मरे हैं, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, लीवर का पेशेंट हो, वो तो मैं भला करूंगा इन झोला झाप डॉक्टर जिनको ये हमारी सरकारी मशीनरी झोला झाप डॉक्टर कहती है, मैं इन्हें सलाम करूंगा कि ये गली मोहल्लों में नहीं होते और बुखार की दवाई खांसी की दवाई नहीं देते तो आदमी खांस खांस के ही मर जाता। तो ये बोर्ड सरकार जिसने क्या किया बताओ, 2 महीने हम लोगों को घरों में कैद कर दिया, इलाज हमें नहीं दी, रोटी हमें नहीं दी, ये तो हमें वैसे ही मांगना चाहते। समय आने वाला है एक एक बात का जवाब दे देना इन मक्कार सरकार वालों को, इन झूठे वादे करने वालों को जवाब दे देना। और वो जवाब कब दोगे, जब वोट डालने जाओगे तो निशान दबा के मसक के दबा के आना। जो सारी जानकारी है राजनीति किस प्रकार की हो रही है, हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर वोट मांगा जाता है लेकिन क्या हिंदू आज खुश है? नहीं है। हिंदू को सिर्फ यूज किया गया, हर बार प्रयोग में लाया जाता है हिंदुओं के वोट बैंक को लेकिन क्या होता है बाद में ठप्पा हमारे सर पे लगा दिया जाता है। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अखिलेश यादव जी हमेशा एक ही विचारधारा पर सोच करके कार्य कर रहे हैं, कैसे भी सभी समाजों को सभी वर्गों को जोड़ा जाए, कैसे उत्थान किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को चलने से बचाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। तो आप सभी से मैं निरंतर सूक्ष्म बात करते हुए एक ही विनती करना चाहूंगा, आप सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब गर्भिमुख नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हमारे बैठे हुए हैं, आप सब समझदार हैं, आप समझिए कि आज की डेट में राजनीति कैसी हो रही है। पार्टी अपना भला कर रही है, अपना भला करने के बाद में कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आता है, कोई आपको समझने नहीं आता है। और आज की डेट में हमारी ऊपर कुछ भी ज्यादा नहीं, अगर हम जैसे नवयुवकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, हमारे महानगर के अध्यक्ष जनाब चौधरी विशांत जी ने हमें अगर अपना विश्वास जताते हुए जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा आभार उनका प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग बेकाऊ नहीं है। हम लोग आज पढ़ लिख करके पार्टी के साथ जुड़े हुए किस लिए, कि आप जैसे लोगों की मदद कर सके, आप जैसे लोगों के बीच में जा सके, आप जैसे भाइयों को समझ सके, आप जैसी माता बहनों की परेशानियों को समझ सके। हम लोग बहाने नहीं बनाते कि हम आएंगे नहीं, हम बहाने नहीं बनाते कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहाने नहीं बनाते कि हमें काम नहीं करना है, लाल टोपी पहन करके चलते हैं, चाहे लाल टोपी पहनने के बाद में किसी की कितनी भी बुराई अपने सर पर लेनी पड़े लेकिन आपका बुरा नहीं होने देंगे, ये लाल टोपी की खासियत है।